हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप ये देख रहे हो तौलिया वोलिया लेके मैं क्या कर रहा हूँ। जस्ट अभी वर्कआउट ख़त्म करा था, सुबह मॉर्निंग वर्कआउट चल रहा है आजकल। और भाई क्या है कि मॉर्निंग ज़रा टेम्परेचर देखो गाड़ी का, गर्मी देख रहे हो, ये धूप में खड़ी गाड़ी का टेम्परेचर देख रहे हो, इस टाइम क्या पहुँच गया 60 डिग्री, इतना गर्म है इस टाइम। ये इस पर हाथ लगा रहा, लग रहा बस खाल जल जाएगी। तो भाई आज का थंबनेल देख के समझ में आ गया, हमारी एंडेवर भाई खर्चे की दुकान बन चुकी है। पिछले एक महीने में इसमें 1 लाख रुपए लग चुके हैं। अब भी ये शांत होने का नाम नहीं ले रही भाई, और खर्चा मांग रही है। तो अब इसका ये म्यूज़िक सिस्टम ख़राब हो गया है, मतलब सिस्टम तो नहीं, ये स्क्रीन, ये एंड्रॉयड स्क्रीन लगवाई थी मैंने 2020 में, आई थिंक लॉकडाउन में, ये इसका ही निकला हुआ इस टाइम। तो ये एंड्रॉयड है, इसमें हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, यूट्यूब सब चलता था। तो भाई पिछले कुछ दिनों से जब से ये सर्विस से होके आई है ना, तो तब से इसका ना म्यूजिक सिस्टम ख़राब हो गया है। अब फोर्ड ने तो नहीं करा होगा, वो तो क्या ही करेंगे म्यूजिक सिस्टम का। इसके अंदर जो एंड्रॉयड सिस्टम था ना, वो बहुत पुराने ज़माने का था और रैम भी कम था। अंदर ही अंदर तो मैं चाह रहा था इसको चेंज करना, बस बहाना बनता है ना कोई, तो बहाना बन चुका है भाई इसके अंदर। अब ना तो ब्लूटूथ काम कर रहा, ना इसके अंदर यूट्यूब से गाने चल रहे, मतलब बेस की आवाज़ आ रही है। पीछे डिग्गी में मैंने बेस ट्यूब लगाई हुई है, स्पीकर्स में से आवाज़ नहीं आ रही है ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट पे। पेन ड्राइव में शायद आ जाए पता नहीं, बट पेन ड्राइव आजकल यार कौन ही यूज़ करता है, मेरे गाने तो सारे हॉटस्पॉट ही चलते हैं ब्लूटूथ को यूट्यूब पर। तो इसकी मैंने 9 इंच वाली स्क्रीन ऑर्डर करी है भाई, वो आ चुकी है। तो अभी जिम के बाद दुकान खुल चुकी है मेरी, कल बात हो गई थी, तो अभी चलेंगे 9 इंच वाला एंड्रॉयड, नए ज़माने की जो स्क्रीन होती है वो लगवाएंगे। ओवरऑल लुक भी बढ़िया आ जाएगी, 9 इंच की काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो डिस्प्ले भी अच्छा हो जाएगा और उसमें फिर अपने गाने वाने वीडियो सब चलेंगे। क्योंकि भाई ये मेरी है गेड़ी कार बोल लो, जिम जाने वाली गाड़ी, मैं इसमें मतलब अपने रिलैक्सेशन टाइम में इस गाड़ी में घूमता हूँ। लॉन्ग रूट पे चलने वाली गाड़ी नहीं है, तो इसमें भाई गाने तो चाहिए मस्ट, बिना गाने के इसमें घूमने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी की फील ही गेड़ी वाली है। तो नया सिस्टम लगवाते हैं और दिखाते हैं, फिर अपने उस्ताद के गाने चलाएंगे अपनी गाड़ी में, भाई मोस्टली यही बजते हैं। तो चलते हैं फटाफट, एक बार प्रोटीन और पी लेता हूँ। A few moments later. तो भाई यहाँ चल रही है फिटिंग गाड़ी में, ये आ गया भाई वापस। हम एक बार पहले भी काम करवाया था यहाँ से भाई, से एंटीने लगवाए थे यहीं से ये वाले। और भाई गर्मी आ गई है तो टेंट भी करवा दिए फ्रंट शीशे, ये शॉप है अपनी भाई का रेवन सफीदों। भाई नई स्क्रीन लग चुकी है अपनी और पैनल भी चेंज हो गया। मुझे तो लग रहा था खाली ऊपर का फ्रेम बदला जाएगा, सारा ही बदल गया, तो सारा नया आ गया था। तार दे पन्नी भी इसकी फुल टच है, स्पीड देख पा रहा, पहले वाला ना हैंग हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो वो स्लो हो रखा था बिल्कुल ही। भाई काम हो गया, बिलिंग करते हैं और फिर चलते हैं घर फटाफट, लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, घर जाके इसको ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। और इसके भाई हॉर्न भी ख़राब हो गए थे, तो नए हॉर्न डलवा दिए, आवाज़ सुनाता हूँ, एकदम बेहतरीन आवाज़ है इनकी भी। ये लूमैक्स कंपनी के हैं, बढ़िया वारंटी है इनकी 1-2 साल की। पुराना सिस्टम अपना इसमें डाल दिया, वैसे तो ख़राब ही हो गया था, और इसका पूरा वो ढांचा भी चेंज हो गया, बढ़िया लग रहा है कैबिन। चलते हैं भाई, काम हो गया डन। अरे वाह, अपनी रानी का कैबिन नया सा हो गया। और मैं सोच ही रहा था इस चीज़ को रैप करवाने का, ये ब्रांड न्यू डलगी और गन मेटल सा कलर है सा, ग्रे सा, बढ़िया भी लग रहा है। और भाई किसी और को भी काम करवाना हो ना, ये शॉप का एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सफ़ेदों जगह पड़ती है ये,
अपना नाम लेके आओगे बढ़िया डिस्काउंट भी मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा, मेरी वीडियो दिखा देना, भैया बहुत बढ़िया है, भैया ने अपना भी रिगार्ड करा और सारा सामान मिल जाता है भाई इनके पास, सीट कवर से लेके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड और भी जो चीज़ें होती हैं सब मिल जाएगा। तो आओ भाइयों को सपोर्ट करो, हमें भी करो, अब चलते हैं अपना काम धंधा संभालते हैं और इसको घर चल के एक्सप्लोर करेंगे शाम को, क्योंकि भाई अभी टेम्परेचर देखो क्या हो गया भाई, अब फाइनली लॉग इन हो गया सब कुछ और एक गाना चलाया, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, फुल स्क्रीन पे क्वालिटी देखो जरा, इससे ज़्यादा मैं चला नहीं सकता नहीं तो वो आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल HD डिस्प्ले आ रहा भाई, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। लाइट्स और ऑन कर देते हैं मीटर की रेड थीम के साथ, एक अपनी वीडियो भी चला के देखते हैं चैनल की, और जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक सब्सक्राइब कर लो, किसका वेट कर रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते हैं आप देख सकते हो, सबसे वायरल वीडियो अब तक की ये गई है, 420,000 व्यूज हो चुके हैं उसके ऊपर, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, लद्दाख रोड ट्रिप की चलाते हैं एक। क्लैरिटी एक नंबर है भाई, और अभी तो 480p पे चल रहा है, ये 360 पे था, इसको एक बार फुल 1080 करते हैं। सामान भी रख सकते हैं और अपने आप को भी रख सकते हैं इस तरीके से भाई, इन्वेस्टमेंट करी बट वर्थ इट है, गाड़ी में आदमी घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड भी करता है कई बारी, मैं तो करता हूँ यार, घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मुझे गाड़ी में पसंद है, तो इसके अंदर बैठ के तो एटलीस्ट तुम्हें मज़ा आना चाहिए, तो स्क्रीन तो मस्त थी है। इसकी वारंटी भी भाई 1 साल की तो बोली है, बाकी भैया से लगवाओगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाता है, 1 साल बाद भी अगर आपके में कोई दिक्कत आएगी तो भैया बैठे हैं सफ़ेदों के, अगर आसपास नियर बाय हो तो यहाँ से लगवा लेना भाई, बहुत बढ़िया डील मिलेगी आपको मेरी तरफ से, फुल थम्स अप है, अपना नाम लेके जाना, फुल डिस्काउंट मिलेगा। लेटर दैट सेम इवनिंग, सो भाई शाम हो चुकी है एंड इसकी मैं अच्छे से टेस्टिंग कर चुका हूँ, जैसे भी मैं कर सकता था ऑडियो सेटअप की, तो सारी टेस्टिंग के बाद सारी टेस्टिंग कर लेने के बाद जो एंड रिजल्ट निकला है भाई, इसके अंदर अभी भी बेस की कमी आ रही है गाड़ी में, जो बेस ट्यूब है ना अपनी वो लोकल ही है, पहले जब थर्ड रो लगा रखी थी तो बेस ज़्यादा बन रहा था, उसकी पोजीशन जब डिग्गी के क्लोज थी, अब वो सीट के क्लोज करी है क्योंकि वो हिल रही थी वहाँ से, तो अब बेस डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया गाड़ी में, तो या तो उसकी पोजीशन के साथ हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी और थर्ड रो लगानी पड़ेगी ताकि बेस को और सामान मिले टकराने के लिए, या फिर भाई इसके अंदर एक सबवूफर या एक बेस ट्यूब और लगानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे बूट स्पेस तो बहुत खाली पड़ा है ऑडियो बेटर करने के लिए। बट जो ये ओवरऑल जो ये स्क्रीन का एक्सपीरियंस है ना भाई, ये है लाजवाब, पूरे थम्स अप है भाई, पैसा वसूल चीज़ है ये, एक नंबर इसकी ब्राइटनेस है और एक नंबर इसका इंटरफेस है, आंख बंद करके ले लेना भाई इसको लगवानी हो तो, दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा था। तो भाई पहले यहाँ थर्ड रो थी वो मैंने उतार के रखी हुई क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है, और ये बेस ट्यूब लगी हुई थी इधर, तो यहाँ पे इसका जो बेस है ना टकरा रहा था इससे और थोड़ा अच्छे वोकल जा रहे थे, पर जब से मैंने ये यहाँ सेटअप करवाई है तो भाई इसका बेस ना अब कम आ रहा है मेरे हिसाब से, तो या पता नहीं साइकोलॉजिकल लग रहा है मेरे को, अपने पास स्पेस तो मैं क्या सोच रहा हूँ कुछ टाइम रुक के 2 सबवूफर लगवाएं विद एम्प, या भैया से डिस्कस करते हैं एक और बेस ट्यूब ऐड कर लेते हैं, या एक बेस ट्यूब एक सबवूफर, अगर किसी भाई को नॉलेज है ऑडियो के बारे में तो भाई कॉमेंट करके बताना क्या किया जाए इसके अंदर कि बेस आए, मेरे को बेस अच्छा लगता है, कॉम्पोनेंट्स नहीं छेड़ूंगा मैं, इतनी आवाज़ ठीक है वोकल्स की, मेरे को बस बेस अच्छा चाहिए गाड़ी में, तो मुझे सजेस्ट करके बताओ फिर हम उस हिसाब से काम करेंगे इस पे। सो आज की वीडियो में भाई इतना ही,
फिर देखते हैं कुछ और खराब ना हो, बस नया एड ऑन करवाएंगे वो अलग चीज़ है, बट कोई चीज़ खराब होती है ना भाई तो दुख होता है।